देव क्लासेस स्पेशल में आप सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत है। आज आप देखेंगे मात्रक तथा विमीय विश्लेषण का दूसरा पार्ट। पहले पार्ट में हमने मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक और विमीय विश्लेषण की बेसिक चीजें बताई। इसके साथ साथ हमने तीन चार विमाएं बनाना भी बताई थी। विमाओं में आपका क्षेत्रफल, आयतन, वेग, त्वरण, बल, कार्य, इनकी हमने विमाएं बताई थी। एक बार हम लोग इनको फिर से रिमाइंड कर लेते हैं और इसके बाद हम आगे चलते हैं। देखिए क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई के हम टुकड़े नहीं कर सकते और चौड़ाई के भी हम टुकड़े नहीं कर सकते, तो जिन राशियों की हम छोटे छोटे टुकड़े ना कर सके वो मूल राशियां कहलाती हैं। ध्यान दीजिएगा, जिन राशियों के हम उससे छोटे टुकड़े ना कर सके वो मूल राशियां कहलाती हैं। और जब कई मूल राशियां मिलती हैं तो एक व्युत्पन्न राशि तैयार होती है, तो क्षेत्रफल एक व्युत्पन्न राशि है और ये लंबाई और चौड़ाई मूल राशियां हैं। तो ये लंबाई को किससे मापते हैं, लंबाई को मापते हैं लेंथ से, लेंथ फॉर एल एल, और चौड़ाई को भी एल से, तो एल और एल मिलकर बने एल टू। लेकिन कभी भी विमीय विश्लेषण में विमा को लिखते समय हम ना तो अकेले एम लिखेंगे, एम फॉर मास होता है द्रव्यमान, एल फॉर लेंथ होता है लंबाई और टी फॉर होता है टाइम। तो कभी भी हम एम को अकेला नहीं लिखेंगे, एल को अकेला नहीं लिखेंगे, टी को अकेला नहीं लिखेंगे। तो जो चीजें हमें उपलब्ध हैं वो तो हम पूरा लिखेंगे, लेकिन जो उपलब्ध नहीं है उनमें हम जीरो लगाकर रख देंगे। तो देखिए एम जीरो, एल टू, टी जीरो। दूसरा देखिए आयतन। आयतन लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का गुणनफल होता है। तो तीनों मूल राशियां हैं जिन्होंने मिलकर एक व्युत्पन्न राशि का निर्माण किया। तो यहाँ पर एल थ्री हो जाएगा, लेकिन एल थ्री अकेला नहीं लिखा जाएगा, तो एम जीरो, एल थ्री, टी जीरो। इसी तरह वेग, वेग बराबर होता है वेग या चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी का मात्रक एल, समय का टी, इसका विमा बन जाएगी एल टी माइनस वन, क्योंकि टी आपका ऊपर गया तो माइनस वन की घात लग गई। हम इतना लिखेंगे नहीं, इसलिए एम जीरो एल टी की घात माइनस वन। त्वरण का देखिए, त्वरण का हो गया वेग परिवर्तन बटे समय। वेग परिवर्तन कह दीजिए या वेग कह दीजिए, बात एक ही है। तो वेग का हो जाएगा दूरी बटे समय, और समय की जगह समय लिखेंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा एल टी माइनस टू, अकेला नहीं लिखेंगे इसलिए हम लिखेंगे एम जीरो एल टी एल एल टू टी की घात माइनस दो। तो ये थे वो विमा जो हमने इसके पहले पार्ट में आपको बताई। अब हम इसके आगे आपको बताते हैं। देखिए इसमें बल का सूत्र होता है, बल का सूत्र होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। बल का सूत्र होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। द्रव्यमान के छोटे टुकड़े नहीं किए जा सकते, इसलिए द्रव्यमान को हमने ज्यों का त्यों लिख दिया, लेकिन त्वरण के स्थान पे हमने वेग परिवर्तन बटे समय लिखा। त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समय। अब देखिए द्रव्यमान के छोटे टुकड़े नहीं होंगे और समय के छोटे टुकड़े नहीं होंगे, इसलिए हमने इन दोनों को एक साइड कर दिया। इसके बाद इसको देखा वेग परिवर्तन। वेग परिवर्तन बराबर होता है दूरी बटे समय। तो दूरी का मात्रक एल, समय का मात्रक टी, द्रव्यमान का एम, समय का टी। इस तरह देखा, ऊपर हो गया एम एल, ये लिखा है एम एल, नीचे हो गया टी टू, दो बार टी है, और इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा माइनस टू। इनका गुणा कर देंगे तो हो जाएगा एम एल टी माइनस टू। ये आपका बल की विमा हो गई। उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आ गई होंगी। अगला देखते हैं कार्य की विमा। देखिए कार्य की विमा के लिए कार्य का सूत्र का पता होना जरूरी है। कार्य का सूत्र होता है बल गुणे विस्थापन। विमा निकालने के दो तरीके होते हैं, या तो आपको जिस चीज की विमा आप निकाल रहे हैं, ये तो उस चीज की विमा के कुछ पार्ट की विमा आपको पहले से पता हो। जैसे यहाँ पे क्या मिला, बल गुणे विस्थापन। देखिए विस्थापन का मतलब दूरी होता है और इसके छोटे टुकड़े हम नहीं कर सकते। विस्थापन का मतलब दूरी और इसके छोटे टुकड़े नहीं होंगे, इसका मतलब इसके स्थान पर तो हम एल लिख सकते हैं, एल फॉर लेंथ, और ये रहा बल। या तो फिर बल के आप उतने टुकड़े फिर करिए जो हमने करके बताया था, या फिर बल की विमा याद हो तो आपको पता होगा इसके पहले हमने बल की विमा निकाली एम एल टी माइनस टू। तो आप इसको भी रख सकते हैं यहाँ पर एम एल टी माइनस टू। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर एम एक है और एल दो हो गए, एक एल ये है और एक एल ये है। यहाँ पर लिख सकते हैं एम इंटू एल की घात दो, टी की घात माइनस दो। तो ये आपका विमीय सूत्र बन गया कार्य का।
या तो आप ये तरीके से अब इधर से बना सकते हैं, अगर आपको सूत्र मालूम है तो, और नहीं मालूम है तो इसके पिछले तरीके से जैसे आपने बल का सूत्र निकाला था, बल की विमा निकाली थी, उसी तरह आप पहले इसके खंड करिए, खंड करने के बाद में सभी को मूल राशियों में व्यक्त करिए, और मूल राशियों से फिर आप इसका विमा निकालिए। विस्थापन विमा से एल होती है, सभी का गुणा करने के बाद में आपका आ जाएगा एम एल टू टी माइनस टू, तो ये आपका हो गया एम एल टू टी माइनस टू। कार्य की विमा निकलाई, अब हम देखते हैं शक्ति की विमा क्या होती है। देखिए शक्ति का जो सूत्र होता है, शक्ति का सूत्र होता है कार्य बटे समय, शक्ति का सूत्र होता है कार्य बटे समय। इसकी विमा निकालने के दो तरीके हैं, या तो आप कार्य के सूत्र को खोलिए, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन बटे समय, बल गुणे विस्थापन बटे समय। अब देखिए ये दोनों चीजें मूल राशियां हैं, इन दोनों को तो हम खोल नहीं सकते, तो अब बल को खोलिए, बल को खोलेंगे इसके बाद में आप इसको हल कर सकते हैं, या फिर आप इसके स्थान पर पिछली विमा का यूज कर सकते हैं। जैसे बल की विमा क्या है, एम एल टी माइनस टू, यहां पर लिखेंगे एम एल टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू, ये बल की विमा हो गई। विस्थापन की जगह हम लिखेंगे एल, समय की जगह हम लिखेंगे टी। अब टी ऊपर जाएगा तो देखिए यहाँ पर कितने एल है, एक एल ये है और एक एल ये है, यहाँ पर हो जाएगा एन, तो हो जाएगा अकेला, और एल हो जाएंगे दो, तो एल टू। टी देखिए दो पहले से माइनस के हैं और एक और जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस तीन, तो टी की घात माइनस तीन, और इसको हम ब्रैकेट्स में बंद कर देंगे, हो जाएगी शक्ति की विमा। उम्मीद करते हैं ये विमा निकालने का तरीका आपको समझ में आया होगा, और आसानी से आप विमा निकाल सकते हैं यदि आपको सूत्र मालूम है तो। तो मैं कुछ विमा और निकालता हूँ, उसके बाद में बाकी सूत्र आपको बताऊंगा, उन सूत्रों के माध्यम से आप विमा स्वयं निकाल के देखिएगा। अगली विमा है घनत्व, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। तो देखिए द्रव्यमान के छोटे टुकड़े नहीं किए जा सकते, इसलिए हम इसके छोटे टुकड़े नहीं करेंगे, लेकिन आयतन के छोटे टुकड़े हो सकते हैं, तो घनत्व की जगह ये द्रव्यमान की जगह हम जो लिखेंगे द्रव्यमान बटे, आयतन की जगह लिखेंगे लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो देखिए द्रव्यमान को हम लोग एम से मापते हैं, एम एम फॉर मास, लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई, ये तीनों आपके डिस्टेंस की मात्रा, डिस्टेंस है, यहाँ पर एल इंटू एल इंटू एल, ये हो जाएगा एल थ्री, इसको ऊपर ले जाएंगे तो जाएगा एम एल माइनस थ्री टी जीरो, क्योंकि तीनों पदों में लिखते हैं, तो एम एल माइनस थ्री इंटू टी की घात जीरो, तो ये आपकी विमा हो जाएगी, एम एल माइनस थ्री टी की घात जीरो। अब देखते हैं संवेग की विमा, संवेग का सूत्र होता है द्रव्यमान गुणे वेग, तो द्रव्यमान के आप टुकड़े नहीं कर सकते लेकिन वेग के खंड हो जाएंगे, तो द्रव्यमान की जगह द्रव्यमान लिखिए गुणे वेग, क्या होता है वेग के चार बराबर दूरी बटे समय, द्रव्यमान की जगह आप एम लिखेंगे, दूरी की जगह आप एल लिखेंगे, समय की जगह आप टी लिखेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा एम एल टी माइनस वन, ये आपकी विमा निकल आई संवेग की, एम एल टी माइनस वन। इस तरह गतिज ऊर्जा, दाब और आवेग, इनकी भी विमा निकालनी है, इनकी मैं सूत्र बता रहा हूं, ये आपको निकालने हैं, ये पांच विमाएं आपको स्वयं निकालनी है। यदि किसी भी मात्र किसी भी प्रकार की विमा आप नहीं निकाल पाएंगे तो इसको मैं दोबारा आपको फिर से बताऊंगा। इसमें से पहली विमा निकालनी है आपको गतिज ऊर्जा की, गतिज ऊर्जा का सूत्र है एक बटे दो द्रव्यमान गुणे वेग की घात दो, वेग स्क्वायर। अगली विमा निकालनी है आपको दाब की, दाब का सूत्र है बल बटे क्षेत्रफल। अगली विमा निकालनी है आपकी आवेग की, आवेग का सूत्र है बल गुणे समय। बल आघूर्ण की विमा निकालनी है, बल गुणे दूरी, सूत्र है प्रतिबल की विमा निकालनी है, इसका सूत्र है बल बटे क्षेत्रफल।
ये पांच बीमाएं आपको निकालनी है। उम्मीद करते हैं आपको पुरानी जितने भी बीमा बताई गई ये चीजें समझ में आई होंगी। इसी तरीके से आपकी आपको इन सूत्रों की भी बीमाएं निकालनी है। इसके बाद में इसके एक दो पार्ट हम और भी आपको देंगे बीमाओं के, जिसमें से आप बीमाएं निकालना पूरी तरह सीख जाएंगे, लेकिन ये आपकी बेसिक है इसलिए आपको आना जरूरी है। अगर नहीं आएगा तो आप इसको ऊपर नंबर दे देते हैं इस नंबर के वर्ड जिससे बन जाता है, आप एक बार व्हाट्सएप से जरूर करें 99 19 42 54 42। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर जो ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, इसके अंतर्गत आप सभी छात्र जुड़कर नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं और आप अपनी समस्याओं का भी साझा कर सकते हैं। तो जितने भी लोगों ने बीमा निकाल ली हो या जो निकाल सकते हैं या जिनसे बन जाए वो जरूर इस नंबर पे भेजें, और जिससे ना बने वो इस नंबर पे जरूर अपनी क्वेरी भेजें कि मुझसे ये चीज नहीं बनी है, अब उसको बिल्कुल बताएंगे। और आप इस वीडियो को अपने अधिक से अधिक छात्रों तक जरूर शेयर करें ताकि इस कोरोना महामारी के समय पे जो छात्र विद्यालय नहीं जा पा रहे हैं जा और अलाउड भी नहीं है टोटली, तो सारे लोग घर में बैठ के अच्छी तैयारी कर सकते हैं। हमारा उद्देश्य है निःशुल्क शिक्षा बच्चों तक पहुंचे। हमारे भारत का हर एक बच्चा जो कि शिक्षा प्राप्त करना चाहता है उसके पास पैसों की मजबूरी है या फिर वो वास्तविक निःशुल्क शिक्षा का हकदार है, वो सभी लोग इस क्लास को ज्वाइन करके अपने अधिक से अधिक छात्रों को अपने साथ में जोड़कर एक बेहतर शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। बीमा के अगले पार्ट में आप इससे कठिन चीज़ों को देखेंगे, तो ये चीज़ें आप एक बार शेयर जरूर करिएगा हमारे साथ। धन्यवाद।